दोस्तों, मैं घर में पड़े हुए 100% कॉटन मटेरियल जो हमारे पास आम पड़ा रहता है उसे मास्क बनाने जा रही हूँ और आपको बताती हूँ उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। ये हमारे पास टी शर्ट पड़ा रहता है घर में, कोई भी पुराना टी शर्ट। उसके मैंने 7 इंच का टी शर्ट का पीस लिया है जो हम इलास्टिक की जगह यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ हॉस्पिटल्स में जब मैंने मास्क दिया तो वहाँ से मुझे ये फीडबैक मिला कि कान में जब इलास्टिक लगता है तो बहुत बॉदर करता है। एनीवेज, ये चाहिए। और उसके बाद हमें कॉटन के 9x6 के 2 पीसेस चाहिए, डिफरेंट कलर्स हो तो बहुत अच्छा है। उससे अच्छा आसानी होती है जानने में कि आगे वाला पोर्शन कौन सा है, पीछे वाला कौन सा है। तो ये वाइट में डॉट है, इसमें जो डॉट वाला पोर्शन है जो डार्कर है वो अंदर की तरफ जाएगा। जैसे नीचे वाला देखिए कपड़ा है वो ब्लू कलर का, वो भी अंदर की तरफ जा रहा है और ये भी अंदर की तरफ जाएगा। और देखिए कैसे क्रॉस करके मैंने टी शर्ट का पीस लगाया हुआ है जो कि बाद में इलास्टिक की तरह कान का वो लूप बन जाएगा कान में लगाने के लिए। देखिए ऐसे करके इसको आपस में चारों कोनों को जोड़ दीजिए और ऐसे ही आप इसको सू कर लीजिए, इसे हाँ सिल दीजिए ऐसे रख के। अब आपको ये सीते बस हुए यूं ध्यान ही, अब रखना है, आप देखिए एक साइड इसको आपने सी लिया, अब यहाँ ये कैसे निकाल टी के शर्ट का उस पीस कोने में दूसरे जोड़ कोने में दीजिए लगाइए और इसको उस और कॉर्नर सी में लीजिए इसे। ऐसे करके सी लीजिए। ये दूसरा कोना आ गया। अब फिर ये भी आप कंप्लीट कर लीजिए। अब इस कोने में भी आपको यही करना है, दूसरे वाले कोने में भी वो लूप निकाल के उसे भी सी दीजिए। उसके बाद इसे निकालिए और इसके उल्टा दीजिए और आपका हाफ वे मास्क बन गया। देखिए अब इसमें ये पाइप क्लीनर है, पाइप क्लीनर मैं डालती हूँ जो सर्जिकल मास्क बनाते हैं उसमें जो नाक वाला पोर्शन होता है उसको कवर करने के लिए डालती हूँ मैं ये। और उसके लिए एक पोर्शन मैं आपको सी के दिखाऊंगी कैसे ये पाइप क्लीनर होल्डर बनेगा और कैसे लगेगा। देखिए मैं एक पोर्शन को निकाल के इस तरह से देखिए ये पोर्शन आप सी लीजिए। छोटा सा रेक्टेंगल बनाना है आपको इसमें, ताकि इसके अंदर आपका पाइप क्लीनर चला जाए, होल्ड हो जाए। देखिए इस तरह से उसे बाहर निकालिए। आपको इसे अंदर से डालना पड़ेगा, उसमें ये फिट करिए। तो ये अच्छे से बेसिकली होल्ड नाक के पोर्शन को होल्ड करने के लिए, सो दैट उस पोर्शन से वायरस या धूल जो भी है वो अंदर ना जा सके। और देखिए ये फिल्टर है जो मैंने एसी के फिल्ट मेरे पास नया एसी का फिल्टर पड़ा था वो निकाल के काट के मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थर्ड लेयर के लिए। ये हॉस्पिटल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, का ज़्यादा सेफ्टी हो जाएगी अगर थर्ड लेयर डालेंगे। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप 2 लेयर से भी बना सकते हो। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप उसके बाद देखिए कैसे आप इसको यूँ बंद करिए इसको। ये पोर्शन भी ऐसे करके सी दीजिए,
एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर आप इसको, बस यही लास्ट वाला पोर्शन था जो अनसिया था, अब इसको आप ऐसे करके सी दीजिए। इसके बाद आप आयरन कर लीजिए पूरे कपड़े को, और आप इसे यूँ फोल्ड करिए। और जब आप फोल्ड करते हैं, और इसके उसके बाद हल्का सा खोलिए, जब आप खोलते हैं तो ये 2 इंच होना चाहिए, 2 इंच से ज़्यादा नहीं, 2 इंच से कम नहीं, वो आपका परफेक्ट मास्क बनेगा अगर आप 2 इंच रखेंगे तो, 2 इंच ही रहना चाहिए। ये जो 2 इंच से ज़रा सा ज़्यादा है, सो इट शुड बी फाइन। बस अब साइड से सी दीजिए, दोनों साइड से सी दीजिए, ये एक साइड हो गया, और ये दूसरा। बस अब मैं इसे बाहर निकालूंगी और आपका मास्क तैयार। और देखिए इस तरह से इसे खोलिए, फेस में लगाइए, ये लूप कान में डालिए, और देखिए आपका मास्क ऑल सेट, ऑल रेडी। ये थैंक यू सो मच, बाय।